स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। और आज हम लोग है सीवुड्स के सेक्टर 48 में, जहां कल यानी 5 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से यहां के जो पूर्व नगर सेवक है और संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष है विशाल डोलस जी, वो एक अनशन पर बैठने वाले है। तो वो क्या अनशन क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो बताने के लिए आज हमारे साथ विशाल डोलस जी खुद मौजूद है। विशाल जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कल से अनशन पर बैठने वाले हैं, उसकी वजह क्या है और आपकी मांगे क्या है इस अनशन को लेकर? हमारी अनशन बैठने का हमारा जो रीजन है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारा जो हक, जो हमारा अधिकार था हॉस्पिटल मिलने का, मतलब सिडको ने यहाँ पर जो सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई है, तो उनके मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने डेवलप करने का प्रॉमिसेस वो टाइम पे किया था। और अगर आप सिडको की वेबसाइट भी देखेंगे तो उसमें उनके प्रस्तावना में क्लियरली बोला है कि हमारा ड्यूटी ये है कि हम यहाँ पर नवी मुंबई, तीसरी मुंबई बनाए और वहाँ पर ये जो फैसिलिटीज़ है वो तो लोगों को प्रोवाइड कराए। बट ये जो फैसिलिटीज़ है वो हमको मिली नहीं है। यहाँ पर भूखंड तो दिया गया बट एक ऐसी संस्था को दिया गया जिनका कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल चलाने का। तो बहुत सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा 15,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पे आप बहुत सारा जो एक्टिविटी होना चाहिए था हॉस्पिटल जैसा, यहाँ पर लोगों का इलाज होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को दिवा पटेल जाना पड़ता है, अपोलो जाना पड़ता है, फोर्टिस जाना पड़ता है और ज़्यादा काफ़ी महंगे हॉस्पिटल में उनका इलाज करना पड़ता है। इसकी वजह से उनको इकोनॉमिकली यहाँ के जो नागरिक है उनको सफ़र होना पड़ रहा है। और अगर ये हॉस्पिटल होता, ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल था, तो जो चार्जेस बाकी हॉस्पिटल में लिए जाते हैं वो यहाँ पर लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो और साथ ही साथ में 20% ऐसे लोगों को यहाँ पर फ्री इलाज मिलने वाला था जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका इनकम जो है वो उतना नहीं है, तो उनको भी फ्री यहाँ पर इलाज मिलने वाला था। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी, जो हमारा जो सपना था या जो हमारी अपेक्षा ही थी, अपेक्षा भंग हमारा हुआ है। और हमने यहाँ पर सिडको ने हर बार यहाँ जी जो ट्रस्ट है, मतलब एक 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 साइड में, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ, आप ट्रस्ट का हमें नाम बताइए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट कौन सा है और सिडको ने किस वजह से दिया था उस ट्रस्ट को, वो क्लियर बताइए। ये शुश्रूषा ट्रस्ट है जिसको हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने के लिए ये प्लॉट दिया था। 15,000 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट था और इनको उसी के लिए प्लॉट दिया हुआ था। बट जैसे कि मैंने बताया है कि उनका कैपेसिटी नहीं होने के कारण आज तक ये हॉस्पिटल बन नहीं पाया पूरी तरह और ये चलाने की भी उनकी कैपेसिटी नहीं है, जिसका खामियाजा जो है वह हमारे जैसे नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हर नोड में, वाशी में बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नेरुल में है, सानपाड़ा में है, बेलापुर में है, बट सीवुड्स में कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी ICU का जो सुविधा यहाँ कहीं पर भी नहीं है। तो इसी के वजह से अभी और कितना वेट करना चाहिए। और दूसरा और एक बात यहाँ पर है कि ये जो ट्रस्ट है, शुश्रूषा ट्रस्ट, ये प्लॉट जो है यहाँ पर किसी प्राइवेट संस्था को देने के फिराक में है, ये बात हमको पता चली है और मैंने इस बारे में सिडको में भी बात की है। और सिडको जो है खुद भी अवेयर है कि इस तरह की वहाँ गतिविधियाँ जो है सिडको में बढ़ रही है इस प्लॉट को लेकर। तो इसीलिए हम लोग ये प्लॉट, हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमसे छीना ना जाए, या कल उठ के और 5-2 साल, जैसे कोई ट्रस्ट को लग रहा है कि हमको और कुछ बनाना है, हम और वेट कराएंगे और कुछ बनाएंगे, तो नागरिक क्यों सफ़र करे, क्योंकि ये फैसिलिटी प्लॉट है, ये कोई टेंडर प्लॉट नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि वो प्लॉट निकाल के शुश्रूषा ट्रस्ट को, ऑलरेडी उनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है, जो उनको 5 साल दिया था 1999 से लेके 5 साल में उनको बनाना था 2004 या 2003 में, तो अभी ऑलरेडी 2023 है, 20 साल का ग्रेस पीरियड उनको दिया है सिडको ने, फिर भी यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। तो इसी के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जब तक सिडको ये प्लॉट वो संस्था से निकाल के NMMC को हैंडओवर नहीं करेंगी, तब तक हमारा जो अनशन है वो जारी रहेगा। आपकी NMMC से क्या अपेक्षा होगी अगर ये प्लॉट सिडको NMMC को देता है तो? हमारी ऑब्वियस एक ही अपेक्षा है कि ये प्लॉट अगर सिडको देती है तो यहाँ पर
एक हाई सब मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर लोगों के लिए बने और जहाँ पर लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, यहाँ पर साथ ही अगर जगह हो तो मेडिकल कॉलेज भी बने, बट हॉस्पिटल जो है हमारी प्रायोरिटी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आईसीयू की सुविधाएं यहाँ तक एनएमसी के द्वारा शुरू की जाए। आपने अभी मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कही है, तो यहाँ की जो स्थानीय विधायक है मदा मात्रे जी, उन्होंने ऑलरेडी महानगर पालिका से ये मांग की है और उसके ऊपर बातचीत भी चल रही है, निर्णय भी लिए जा रहे हैं, तो क्या ये एक और हॉस्पिटल की मांग कहीं ना कहीं कोई विरोध जता रही है ऐसा लग रहा है? नहीं, अगर आप ये ठीक तरह से अगर मेरी बात को समझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रपोज्ड है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है इस प्लॉट पर ऑलरेडी प्रपोज्ड है। एनएमएमसी का ही शायद इसके ऊपर ध्यान नहीं है, सिडको का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, इसके लिए शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर इसके ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया रहता तो 10 साल पहले 15 साल पहले यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जाता। और हम कोई नया रिजर्वेशन मांग रहे नहीं है, नई कोई मांग रख रहे नहीं है, हमारी मांग पुरानी है। सिडको ने अगर प्लॉट कोई संस्था को दिया है, ट्रस्ट में दिया है, मतलब टेंडर प्लॉट नहीं है वो, उसमें 50-60 लाख रुपीज़ में 15,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट कहाँ पर मिलता है? तो इतना सस्ता प्लॉट अगर आपको सिडको दे रही है, इसका मतलब वो एनएमसी को दे या कोई ट्रस्ट को दे, वो पब्लिक के लिए प्लॉट है। मतलब यहाँ पर अच्छा इलाज होना चाहिए, बेहतरीन इलाज होना चाहिए, गरीब लोगों को यहाँ पर फायदा मिलना चाहिए, यही इसका हेतु है। तो जो आपने सवाल पूछा मुझे कि उसका इसका कुछ रिलेशन मुझे लगता नहीं है कुछ भी, हमारी मांग तो पुरानी है बट मुझे ऐसा लगता है कि हमको ज़रूरत है, यह हॉस्पिटल जल्दी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसका फाउंडेशन बना हुआ है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ पर जो बचा हुआ काम जो है वो एनएमएमसी को करना है, जो काफ़ी इसमें 2-3 साल और बचेंगे हमारे, ये हॉस्पिटल बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। और ये मांग पुरानी है हमारी, नहीं कोई मांग नहीं है, और किसी को ट्रैक करने या फिर टैकल करने के लिए या कुछ और कोई इरादा इसमें है नहीं हमारा। तो हमारा जो हक है, हमारे घर के पास ये हॉस्पिटल है, वो शुरू हो जाए, यही हमारी मांग है। फिलहाल सत्ता में केंद्र कहे या राज्य कहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है? अब तक इसके लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो क्या सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार के ध्यान में लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 2021 में मुझे लगता है कि हमने जब ये मांग उठाई थी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वहाँ पर, और इसका जब अलॉटमेंट हुआ तभी महाविकास आघाड़ी का ही सरकार रहेगा उस टाइम पे, 99 में या उस टाइम पे। बट सरकार कोई भी रहे, जो अधिकारी रहते हैं, वो जो जिनका काम है यहाँ इस पर ध्यान देना, अगर वो उनका कर्तव्य अच्छे से करे तो पार्टी आती जाती रहेगी, नया पार्टी वहाँ पर आएगा, कोई किसी का सत्ता आएगा, किसी का सत्ता जाएगा। बट जिनका कर्तव्य है अगर वही कर्तव्य नहीं करेंगे ठीक से तो ऐसी जो मुसीबतें हैं या फिर ऐसी चीज़ों का सामना हमको करना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार कौन है, सरकार में बैठने वाले जो लोग हैं, जिन उनके नीचे से काम करने वाले लोग हैं, प्रशासन में काम करने वाले जो लोग हैं, अगर उनका ही ध्यान नहीं रहा तो सरकार कोई भी रहे, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी देश में। तो आंदोलन जो होने वाला है उसमें आप जो अपनी मांगे रख रहे हैं वो आप पूरी होने की आशा कितने हद तक रखते हैं, और आप अगर आपको ये रिक्वेस्ट की गई कि आप ये आंदोलन पीछे ले लें तो किस तरह से आप ये आंदोलन को पीछे लेंगे, मतलब आपको कोई प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए आपको उनकी ओर से? ये आंदोलन सक्सेस न होने का रीजन ही नहीं है, मैं तो जो गलत चीजें हो रही है वो लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि इस संस्था को जो है बहुत टाइम एक्सटेंशन जो इलीगल है वो मिला हुआ है सिडको से, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा समय दिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और समय देना मतलब एक बड़ा जो क्राइम है वो खुद ही सरकार कर रही है या जो ये सिडको प्रशासन जो कर रहा है उसका यही मतलब निकलेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें इंसाफ ना होने का रीजन ही नहीं है, अगर सब लोग देख रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं और फिर भी प्रशासन सोच रहे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा तो हम होने देंगे नहीं और ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम उनको लगता है कि लोग यहाँ पर अनशन पे ना बैठे, बड़ा तमाशा ना बने, तो
तो नियम से वो प्लॉट जो है वो रद्द करके एनएमएमसी को हैंडओवर किया जाए, एनएमसी को लेटर दिया जाए कि आप आपकी जो मतलब एनएमसी ने अगर उनको डिमांड का लेटर दिया रहेगा तो उसको रिस्पॉन्ड करके कि जो आगे की प्रोसीजर है उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ देनी पड़ती है तो उसकी मांग करे या प्रस्ताव की मांग करे, ऐसा मेरा कहना है। उसी हालत में हम लोग ये क्वेश्चन पीछे ले। तो यदि आपको आश्वासन दिया गया तो आपका कहना यही है कि आप ये हाँ, जो भी आश्वासन रहेगा वो लिखित में होगा और जो मुझसे बोली हुई बात है उस पर यकीन नहीं रखा जाएगा। तो कितने लोगों की आप संख्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप सिवुड्स के नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सिवुड्स के नागरिकों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता रहेगा ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पहले सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। जो प्लॉट जो है ट्रस्ट को दिया गया हुआ है उनको मिनिमम रेट्स में दिया हुआ है कि ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल चालू हो जाए। वहाँ पर 20% गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं उनको और जिनका कैपेसिटी नहीं है पैसा भरने की, ऐसे लोगों को यहाँ पर मुफ्त जो है इलाज मिलने वाला था। और साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल में चार्जेस लिए जाते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा सस्ता इलाज ट्रस्ट हॉस्पिटल में होता है। तो मेरा सबसे अनुरोध यह है कि आप इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं समझ के ये अपना प्रॉपर्टी है, अपना जब ये लोकेलिटी डेवलप हुआ उसके लिए ये प्लॉट दिया गया था, ये हमारी जिम्मेदारी है इसके ऊपर ध्यान रखने का। हमारी भी इसमें कोशिश होनी चाहिए कि ये हॉस्पिटल जल्दी से जल्द शुरू हो जाए। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है और सिर्फ इसका मुझे हम कह सकते हैं कि मुझे मौका मिला है कि उसका इनिशिएटिव वहाँ उसमें लेके इस लड़ाई लड़ने का मुझे मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों और प्रशासन को संदेश दे कि हम यहाँ के लोगों में कितना इसमें चीज़ को लेके कितना नाराज़ी है, कितना यहाँ के लोग जो है असंतोष में है और कितना ज़रूरत है हमको इस हॉस्पिटल की। अगर आप यहाँ पर आएंगे दिखाएंगे अपनी एकजुटता तो प्रशासन को पता चलेगा कि नहीं, कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है और यहाँ पर हॉस्पिटल तुरंत हमको देना चाहिए। धन्यवाद। तो विशाल डोलस जी ने जो मांग रखी है हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, यह हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो कैसी है। जिस हॉस्पिटल के बारे में विशाल डोलस जी अभी बात कर रहे हैं वो यही हॉस्पिटल है जिसकी इमारत बनी हुई है लेकिन अब तक ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। कितना समय हो चुका है ये भी उन्होंने बताया और कल से ये उपोषण जो है, ये अनशन जो है वो शुरू होने वाला है। सुबह 10 बजे से 5 अक्टूबर से ये अनशन शुरू हो रहा है और उन्होंने सीवुड्स के नागरिकों को खास करके ये निवेदन किया है कि वे भी इसमें जुड़े और प्रशासन को ये बताए कि यहाँ पे कितनी ज़रूरत है इस हॉस्पिटल की। तो अब देखना यही होगा कि उनका ये जो अनशन है उससे कितने लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़ते हैं और प्रशासन इस पर कितना जल्द से जल्द निर्णय लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, सीवुड्स, नवी मुंबई।